है आरआरबी का मॉक आपको लगाना कैसे है अभी ना, बहुत लोग मोबाइल पे भी देना शुरू कर देते हैं। देखो देते थे ठीक है, और वही लोग जो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। आप एक काम करो ना, कि आपको तो ये पता होगा ना कि एग्ज़ाम में ना जो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में खुलता है कि नहीं खुलता है, तो अभी आपको ना उसी तरह का मॉक लगाना है। आई थिंक गाइडली में ये रहता है ठीक है, अगर और किसी का होगा तो आप कमेंट करके बताना कि उसमें ना हिंदी और इंग्लिश साथ में खुलता है ठीक है, और लेवल भी ठीक ठाक रहता ही रहता है, और एग्ज़ाम में भी इंग्लिश हिंदी पूरा साथ में खुलता है ना। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपका जो माइंड एग्ज़ाम में जो डाइवर्ट हो जाता है ना इंग्लिश हिंदी को लेकर के, ऑप्शन टिक करना है तो नीचे स्क्रॉल करो फिर उसके बाद टिक करो है ना, और ऐसे मॉक देते हैं सिर्फ इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन ऑप्शन दोनों स्क्रीन पे दिख जाता है ना। तो आप प्रैक्टिस भी तो थोड़ा सा गलत कर रहे हो ना, ये बात आप क्यों नहीं मानते हो ठीक है। आप और भी किसी सोर्स में अगर हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन दोनों साथ में आता है ना तो आप करके दो, और कोशिश ये करो कि लैपटॉप डेस्कटॉप पे अभी जो एक सप्ताह बचा हुआ है ना, उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है ना उस टाइम पे आप मॉक देना शुरू कर दो। जैसे मान लेते हैं अगर आपका 12 बजे से पेपर शुरू है ना, तो आप 11:30 बजे आप पूरा एकदम रेडी हो जाओ मॉक देने के लिए एकदम पूरा है ना, अब पूरा एग्ज़ाम वाला फील करो एकदम, कि हम मेरा अगर इस मॉक में अगर अच्छा खासा स्कोर आता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सारा खेल माइंड का ही है, अगर माइंड से ऐसा सोच करके करते हो ना तो आपका वो आपको ना मेन एग्जाम में ना कभी कोई दिक्कत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। तो प्रैक्टिस भी आपको उसी तरह से करना है एकदम है ना, और एक मॉक आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन एक मॉक जो है 2 मॉक रोज का लगाओ ठीक है। डेली टारगेट भी दे रहे हैं, 6 बजे आता है, उसको भी देख लो क्या कैसे करना है नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ओके।